brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. सोनीपत लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं सभी जो है अपने अपने जो है गांव में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल हम सफीदों के गांव पाजू कलाम में मौजूद हैं। इसी गांव से जो रमेश कौशिक जो है जीते थे और सांसद बने थे, हालांकि जो अब की बार महिलाओं का क्या मूड है, किन मुद्दों को लेकर महिला अब की बार वोट करेगी, उनसे जानते हैं। क्या नाम है जी? अब की बार किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे, क्या क्या समस्या है आप जी? आपकी तो कोई समस्या नहीं, फिर मोदी के ये करांगे वोट तो। अच्छा, मोदी जी की वोट दोगे? हाँ। तो कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं? नहीं, कांग्रेस को नहीं। आपका क्या नाम है जी? रानी देवी है जी। अब की बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं महिला, क्या सोच रही हैं, किस पार्टी को, मतलब क्या सोचती है, क्या समस्या आ रही है? समस्या तो कुछ नहीं है जी, 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी सरकार ने, और जो आपकी बेटी हमारी बेटी है उसकी स्कीम भी घर घर तक पहुंची है, उज्ज्वला योजना है उसकी भी घर घर तक उसका लाभ पहुंचा है, और बीपीएल भी मतलब घर घर बनाए गए हैं जिसके कंडीशन के हिसाब से, तो इसके मतलब अच्छे काम देखते हैं। आपके गांव की आबादी 3,000 के आसपास है, गांव में पीने के पानी की समस्या है या नहीं? पीने के पानी की समस्या है, साफ पानी को नहीं जी, ट्यूबवेल का मतलब गर्म पानी निकलता है। कितनी दूर से पानी लेकर आना पड़ता है? पानी दूर से तो नहीं लेकर आते जी, वो तो समरसेबल बतेरे हैं जी, थोड़ी बहुत समस्या है तो वो मतलब। तो आप जब बाहर निकलते हैं तो क्या फेस करना पड़ता है, किस तरह की प्रॉब्लम आती है, मतलब जैसे यहाँ पे स्कूल वगैरह है या अस्पताल, मतलब इसके बारे में? अस्पताल वगैरह में तो मतलब सीएचसी सेंटर नहीं बना हुआ है जी, इस वजह से मतलब चपाड़ा में सीएचसी सेंटर लगते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर भी चपाड़ा में लगते हैं, थोड़ी ये दिक्कत है, और तो कोई सी दिक्कत नहीं है। पानी वाली है, गली वाली है, तो हम बीजेपी को बनाएंगे आगे, बढ़िया काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी जो है पिछले 10 साल यानी कि बात करें उस टाइम पे सरकार रही है, क्या उसने विकास करे नहीं हुआ क्या? विकास तो उसमें भी हुआ, फिर ये बीजेपी अच्छा कर रही है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए तो अपनी अपनी राय है कि जो है कोई बीजेपी को पसंद कर रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहे हैं, और भी महिलाएं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी? नीलम जी। नीलम जी, क्या समस्याएं हैं गांव की, आप थोड़ा बताइए इनके बारे में। ज्यादा करता पानी की है जी, पानी तो बाहर ढोना पड़ता है, टूटे कमावे। आंटी जी, आप नमस्कार जी। आपको क्या लगता है कि अब की बार महिला किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, जो कि महिलाओं के बारे में सोचे उसके बारे में? ठीक है जी, हमारा तो जी परेशानी यह है अभी, एक तो गली है ना, जो गली में लाइट होनी चाहिए, लाइट सुविधा चंदना रहना चाहिए रहता ना, और एक जी पानी की समस्या, अरे एक गली में समरसी होना चाहिए जी। ठीक है, ज्यादा दिक्कत तो लेडीज ना ये है। बात करें जैसे पानी की समस्या की बात आई, वही हॉस्पिटल की अगर बात करें, यहाँ सीएससी सेंटर नहीं है, ठीक है, हाँ, तो आपको इलाज करवाने के लिए सफीदो जाना पड़ता है? हॉस्पिटल जाना पड़ता है जी इलाज के लिए। और कॉलेज? कॉलेज भी नहीं है यहाँ पर जी। तो जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने जाते, बाहर पढ़ने जाते हैं जी, एक लड़कियां कॉलेज में यहाँ होना चाहिए, जो बाहर जाती है लड़की पढ़ने, स्कूल है ये 12 लक्का यहाँ, और फिर बाहर बाद में तो बाहर पढ़ने जा बच्चे, एक ये उरा जी बच्चा लड़कियां का ये होना चाहिए कॉलेज। तो कौन सी पार्टी ये कर सकती है, आपको क्या लगता है? मैं तो जी आपकी पार्टी की वोट दे दूंगी, जो बढ़िया सुविधा करोगे तो आप इस पाजू कला में। नहीं, आपको कौन सी पार्टी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, कितना फर्क देखा है? फर्क तो जी बढ़िया, तो आप पे लागू हमने, आपके दे देंगे वोट तो। आपका क्या नाम है? आशा। आप ये थोड़ा उसके बारे में बताओ कि जो महिलाएं हैं वो किन परेशानी फेस करनी पड़ी उनको, क्या दिक्कत है गाँव आपको पढ़े लिखे? महिलाओं को जुगर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो जुगर जैसे जी शाम ने बाहर जावे हैं, अब बाहर लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता अगर घर वालों की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, सांसद की तरफ से, और जैसे लड़कियां बाहर जाना चाहती हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता, और एक तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे उनके लिए बस हो, कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है उनको,
ज्यादातर तो, और उनको आगे किसी जुगर टेक्निकल ज्यादा शिक्षा होनी चाहिए उनकी, जैसे वे अपना कुछ रोजगार खोल सके आगे अपने आत्मनिर्भर। और क्या फेस करनी पड़ती है समस्या, जैसे पीने के पानी की बात करें और महिलाओं को क्या फेस करना पड़ता है? एक तो पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर, जैसे लाइट नहीं आती, कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो पानी की समस्या बहुत है यहाँ पे। जैसे हैंड पंप नहीं है यहाँ पे, भी हाथ से पानी भर ले या भी लाइट ना हो तो लाइट की उससे भी। पिछले बार तो सांसद रमेश कौशिक थे यहाँ से, तो कितना काम करवाया है और अब की बार कैसा सांसद आप चाहते हैं? जैसे जी एक और प्रॉब्लम है जी, जैसे मैं बीए कर रही हूँ, लड़कियों ने बाहर तो जाना नहीं पड़ता जी, हमारे टाइम में तो बहुत कम जाओ थी पहले तो हमारे गांव में, तो मैंने बीए कर रखी है, मेरी और भी कई लड़कियां हमारे साथ की जो उन्होंने बीए कर रखी है घर बैठ के उपन्त है, तो उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। कहते हैं कि भी उनको कॉलेज में जाना पहले और रेगुलर होना चाहिए कॉलेज में, उनको कुछ नहीं मिलता ना, तो उनको अक्सर वो क्या कर रहे बेरोजगारी भत्ता वो भी नहीं मिलता। काफी समस्याएं हैं मतलब महिलाओं की, और अब की बार इन्हीं मुद्दों को लेके वोट करना है सारी। हाँ जी इन्हीं मुद्दों, पहले तो जी मेरी खुद की प्रॉब्लम है जी, मैं बीए कर रही हूँ और इनके जो मेरी माँ है मेरी सास है इन्हीं की तो बराबरी मैंने काम करना पड़ रहा है, मैं कुछ अंतर ही नहीं रह गया जी मेरी, उनमें पढ़ी लिखी तो मैं हूँ ये भी अनपढ़ है लेकिन बराबरी हो रही है जी, वही काम मैं कर रही हूँ वही ये कर रही हूँ।